दो बातें हैं जो सबसे पहले बताता चलूं कि आमका के हवाले से जो रुकावट है पूरे यूनान में मौजूद है और बड़े सारे नौजवान बच्चे मुख्तलिफ डिजायर से पैसे दे के 500-600 और इससे भी जायद पैसे दे के आमका बनवा रहे हैं। मेरे बच्चों, बड़ी तनबीह करता हूँ, बहुत ज्यादा वाजे दो टोक कहता हूँ कि पहले भी बाज रहने का कहता रहा कि व्यवसायियां ना लेना और आज वो जो है 5 साल का बैन और मुख्तलिफ मसायब और मुसीबतों का सिलसिला बन गई है वो आपके सामने। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस जोम में कि कहीं वो 60 दिन पूरे ना हो जाए, मैं आम का जल्दी से बना लू। तो मेरे बच्चों, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पेपर जाया और बर्बाद हो जाए। खुदा ना करे, खुदा ना करे, लेकिन दो टोक अल्फाज में कह रहा हूं कि पूरे यूनान में अगर इस पर रुकावट है हुकूमत की तरफ से, सुस्ती और काहली है हुकूमत की तरफ से, तो फिर दोबारा एक दफा लुट ना जाना। मेरे बच्चों, आप में से हर एक में से वो ज्यादा आसानी से लुट सकता है, आसानी से वो चीटर्स और धोखेबाज और फ्रेबियों के मुख्तलिफ फ्रेब का शिकार हो सकता है, जो ज्यादा मुसीबत में है और जो जल्दी जल्दी करना चाहता है। तो मेरे बच्चों, ऐसा ना करना, बाज रहना। और इस बात की अगर आपको टेंशन है, प्रॉब्लम है कि 60 दिन पूरे ना हो जाए, तो मेरे बच्चों, जब हुकूमत की तरफ से कोई सुस्ती है, कायली है, रुकावट है, तो उसका दोष आप पर नहीं। फिर दोबारा कहता चलूं कि इस बात की फिक्र नहीं करनी कि वो 60 दिन का टाइम है तो कहीं वो ना खत्म हो जाए। ये जरूर समझ ले कि 60 दिन से कबल कबल जुर्म करके कहीं आप लिए मिले हुए पेपर्स से बिल्कुल हाथ ना धो बैठे और जुर्म का इर्तकाब ना कर ले। बाज आ जाए, रुक जाए, आपने आपको बचा सकते हैं तो बचा ले। जितने बच्चे ये कर रहे हैं कि 500-700 यूरो देकर आम का बना रहे हैं, मैं कभी अंदेशा महसूस करता हूं कि वो अपने लिए ऐसी मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं जो मुसीबत व्यवसायियों वालों ने, जिन्होंने कहा जनाब पेपर नहीं है तो आप क्या करें। तो इस तरह मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी में एक नई मुसीबत को पैसे देकर ना ले आना, ठीक है।